Hi guys, welcome to my channel or our channel Study More. I'm Dr. Anil and we are going to again start with our physiology lectures, right? So in physiology we have completed a lot of things, so let me tell you. But what is today's topic? Today's topic is indicator and dilution method to measure the fluid volume in the compartments of body fluid volume in the compartment. So like in extracellular fluid, what is how much fluid is there, right? And everything means like in interstitial compartment, how much fluid is there, intracellular compartment, how much fluid is there. So all the fluid volume we can count in that compartment, respective compartment, right? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर और डाइल्यूशन मेथड, जो कि हम यूज करेंगे कि फ्लूड मेजरमेंट के लिए, जो कि हमारे अलग अलग बॉडी फ्लूड जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर का हम मेजर करेंगे. सो दिस इज़ फिजियोलॉजी लेक्चर और हमने आज तक बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं. सो लेट मी टेल यू हमने कहा क्या क्या कंप्लीट किया है और कितने वीडियोज हमने आज तक अब तक बना लिए हैं. ओके गाइस, सो लेट्स वॉच दैट. तो हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एमसीक्यू बुलेट पॉइंट्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है. आप आई होप ये कर्सर से आप देख सक पा रहे हो. सो ओके आई होप, हाँ, दिस इज एमसीक्यू बुलेट पॉइंट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने 9 वीडियोस बना चुका हूँ. इंटरनल मेडिसिन के भी वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है और जिसके 5 लेक्चर्स हो चुके हैं. उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं. This is Maharashtra Board Science Syllabus and NCERT. So this is not related with it's जो भी बंदा 11th 12th कर रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ ह्यूमन एनाटॉमी के 2 लेक्चर्स हमने कम्प्लीट किए और yesterday also मैंने एक क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर एक वीडियो डाला था फ्री स्टॉक का, राइट. दिस इज बायोलॉजी NCERT. सो लेट मी टेल यू मोर. दिस इज medical pharmacology lectures we have completed, so we have done 8 videos on that. Medical microbiology we have started, जिसके ऊपर हमने 3 videos already बना चुका हूँ और ये rapid revision और study mode short बनाया है मैंने, जिसके 29 videos अब तक हम बना चुके हैं. और ये medical pathology lecture है, medical pathology के lectures भी हमने बनाए हैं. so let me tell you, yeah, this is medical pathology lectures हमने बना चुका है, right. so ऑल ऑफ टुगेदर वी हैव कम्प्लीटेड लॉट ऑफ थिंग. आप ये भी वीडियोज़ जाकर चेक कर सकते हो. और ये जो रैपिड रिविजन सेक्शन है गाइस, राइट, लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग मोर अबाउट दिस. इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं या और शॉर्ट्स जैसे कवर किए हैं कि जो जिसमें से सिर्फ MCQ बनेंगे, राइट. इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन एक वीडियो से कम 10-15 MCQ बन जाएंगे. इस तरीके से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं और वो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पर रैपिड रिवीजन और स्टडी मोर शॉर्ट्स के अंदर बनाते रहता हूँ. ओके गाइज, सो चलो फिर, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है और अब चलते हैं हमारे टॉपिक के पास, फिजियोलॉजी. हाय गाइस, सो वेलकम. सो हम स्टार्ट करते हैं अभी आज का टॉपिक. सो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है टॉपिक का नेम है हमारे इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड टू मेजरमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. ओके गाइस, सो हम क्या करते हैं इसके अंदर. पहले बेसिकली ये जो मेथड है इंडिकेटर और डाइल्यूशन मेथड, ये मेथड जो इन्वॉल्व है इसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मास, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये डिपेंड. ओके गाइस, सो दिस मेथड इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड इज डिपेंड ऑन दिस कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर. ओके गाइस, सो सबसे पहले इसके अंदर हम करते क्या. इस मेथड में हम बेसिकली एक सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम इंडिकेटर नाम दिया गया है, जिसको हम इंडिकेटर बोल सकते हैं या फिर डाई बोल सकते हैं, जिसको हम इंडिकेटर नाम दे रहे हैं, राइट. सो वो सब्सटेंस हम एक कंपार्टमेंट या फिर एक बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट में उसको डाल देते हैं, राइट. सो वी इंजेक्ट दैट
डाई और इंडिकेटर इन बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट। ठीक, सो अगर समझ लो हम 10 mg का डाई है, 10 mg का डाई है या फिर इंडिकेटर है, वो हम 1 ml सॉल्यूशन में ले लेते हैं और उसको एक कंपार्टमेंट में इंजेक्ट कर देते हैं। और उसको एक बार कंपार्टमेंट में इंजेक्ट कर दिया तो फिर थोड़ा देर रुकते हैं और उसको इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट, मीन इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होने देते हैं या फिर डिस्पर्स होने देते हैं, और हम देखते हैं कि एट वॉट एक्सटेंट इट गेट डाइल्यूटेड, मीन्स वो सब्सटेंस जो है वो कितने एक्सटेंट तक डाइल्यूट हुआ है। और वो एक बार इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सो फिर हम उस कंपार्टमेंट का फ्लूड कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं, राइट। सो कैसे मेजर करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे हमने देखा है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सो ये एक मेथड है, दिस इज द डायग्राम विच आई टुक फ्रॉम गाइटन ओनली। ओके, सो वी यूज 1 ml ऑफ फ्लूड and inside that 10 mg of dye or indicator or a substance, we injected that in this compartment. Okay, so after injection we wait for some times and allow that substance to disperse. Usko ek bar pure evenly disperse hone ke liye allow kar diya gaya hai, aur disperse hone ke baad so iska formula hum bol sakte hain ki जो भी इंडिकेटर का मास पहले इंजेक्ट करने से पहले था वो इंजेक्ट करने के बाद दोनों सेम रहेगा, राइट। सो हम लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंडिकेटर ऑफ मास ए इज इक्वल टू इंडिकेटर ऑफ मास बी। मास बी मतलब जो इस कंपार्टमेंट में डिस्पर्स होने के बाद अगर जो इंडिकेटर का मास है वो सेम रहेगा, राइट। और जो इंडिकेटर वो जो सिरिंज में था वो हम ए पकड़ेंगे और उसमें जो इंडिकेटर का मास था हमारा मास कितना था 1 mg। ओके, सो उसमें जो मास था वो भी सेम रहेगा, वो जो भी था उसका ए में जितना था उतना ही बी में भी रहेगा, डिस्पर्स होने के बाद या डाइल्यूट होने के बाद जितना है और उसके पहले जितना था दोनों सेम रहेगा, राइट। बट लेकिन अगर वो इंडिकेटर का मास ए अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ए, वो उसके अंदर का वॉल्यूम कितना था, मीन्स कितना फ्लूड था पहले और उसके अंदर हमने कितना कंसंट्रेशन मिक्स किया है। सो इसका मैंने बता दिया है तुमको, उसके अंदर वॉल्यूम कितना था हमारा 1 ml के अंदर, 1 ml फ्लूड के अंदर हमने 10 mg तक डाई या फिर इंडिकेटर या फिर सब्सटेंस मिक्स किया है, राइट। फिर अभी हमने वॉल्यूम बी को निकालना है, मीन्स हमने कौन से कंपार्टमेंट में डाला है वो ये कंपार्टमेंट, राइट। सो यहाँ का हमको वॉल्यूम काउंट करना है, सो यही हमारा मेन एम है, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कितने 1 ml के पीछे, अगर 1 ml के पीछे यहाँ पर 10 mg था सो वहाँ पर 1 ml के पीछे कितना होगा, अंडरस्टूड। सो 1 ml के पीछे कितना होगा वो देखना है हमें। सो अगर हम देखेंगे सो इसको अगर हम लोग इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटर कितना वो डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स एवरी 1 ml हाउ मच सब्सटेंस इज देयर, एवरी 1 ml हाउ मच सब्सटेंस इज देयर। सो अगर हमका वो हमको मिल जाएगा उसका अमाउंट 0.01 mg पर ml, राइट। सो दिस इज गिवन, दिस ऑल दिस थिंग वी शुड नो, राइट। सो ये एक मिल गया, फिर हमको बस एक स्मॉल मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स को जैसे ये फॉर्मूला ये जो इक्वेशंस आए हैं उसको हमको कैलकुलेट करना है, बस उसको एक दूसरे को सामने सामने रखना है। वॉल्यूम बी कैसे आएगा, तो वॉल्यूम ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन बी। सो वॉल्यूम ए कितना था 1 ml, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कितना था वॉल्यूम ए का, ए में कॉन्सेंट्रेशन था 10 mg पर ml, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 ml के पीछे कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, 1 ml के पीछे रहेगा 0.01 mg पर ml। ओके, सो इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम, सो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml। ओके, 1000 ml मीन्स 1 liter। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज इंडिकेटर टू मेजर
बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट्स राइट, मीन्स वहाँ फ्लूड कितना है, वॉल्यूम, फ्लूड वॉल्यूम कितना है उस कंपार्टमेंट में, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के लिए. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हैं राइट. सो वो सब्सटेंसेस क्या क्या है, वो कौन कौन से है, वो सारा चीज़ मैंने लिख लिया है एक जगह पे. सो वो मैं तुमको अभी बताता हूँ. हाँ तो गाइस देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि टोटल बॉडी वाटर अगर हमको काउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. सो टोटल बॉडी वाटर अगर हमको काउंट करना है तो हमें कौन सा सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा, हमें ट्रिटियम यूज़ करना पड़ेगा या फिर हेवी वाटर यूज़ करना पड़ेगा. और हेवी वाटर का और दूसरा एक नाम है, उसका नाम है ड्यूट्रियम. ठीक है. सो और थर्ड पर्सन, थर्ड हम यूज़ कर सकते हैं एंटीपायरिक. सो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अगेन ट्रिटियम, ओके, विच वी हम इस तरीके से लिखते हैं. ट्रिटियम हम कैसे लिखते हैं, 3H2O इस तरीके से लिखेंगे. और ड्यूट्रियम हम उसको 2H2O ऐसे इस तरीके से लिखेंगे. इसको हम हेवी वाटर भी कहते हैं गाइस, हेवी वाटर, ओके. और एंटीपायरिक, सो दीज थ्री सब्सटेंसेस वी कैन यूज टू कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर. ओके, हमारे बॉडी में कितना टोटल वाटर है, सो वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं. ओके गाइस, सो अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट में कितना फ्लूड है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे, सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम रेडियो एक्टिव सोडियम यूज कर सकते हैं, हम रेडियो एक्टिव आयोथैलामेट यूज कर सकते हैं, हाँ, और एक हम रेडियो एक्टिव क्लोराइड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, और थायोसल्फेट आयन हम यूज कर सकते हैं, और इन्यूलिन भी यूज कर सकते हैं. लेकिन हम लेकिन एक हमको ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम इसको इंजेक्ट करते हैं टू मेजर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, सो सम ऑफ दिस सब्सटेंस लाइक सोडियम, रेडियो एक्टिव सोडियम एंड दिस इन्यूलिन कैन पास टू द सेल ऑल्सो. दैट्स वाई हम इसको इन जनरली ऐसे बोल सकते हैं सोडियम स्पेस या फिर इन्यूलिन स्पेस. ओके गाइस, हाँ, तो ये कम्प्लीटली डिस्पर्स हो जाता है, इसको अराउंड 30 to 60 मिनट तक हम रख सकते हैं, मतलब आधा घंटे से एक घंटे तक इसको रखना पड़ेगा. सो उतने टाइम पे ये कम्प्लीटली डिस्पर्स हो जाएगा. सो अभी देखते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूड. सो दिस इंट्रा सेलुलर फ्लूड या फिर ICF वी कैन कैलकुलेट बाय सिंपल कैलकुलेशन, एज वी नो नाउ, वी नो दैट वॉट इज टोटल बॉडी वाटर एंड वॉट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. सो वी कैन, वी विल जस्ट माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड फ्रॉम दैट टोटल बॉडी वाटर. सो वी गेट अ इंट्रा सेलुलर फ्लूड, हाउ मच इंट्रा सेलुलर फ्लूड इज देयर, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला. ओके गाइज नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा. सो प्लाज्मा को अगर हम मेजर करना है, सो हमको एक याद रखना पड़ेगा कि ये जो भी हमारा मेम्ब्रेन है, सो दिस इज वेसल, सो दिस मेम्ब्रेन इट शुड नॉट क्रॉस. ओके, सो जो भी सब्सटेंस यूज करोगे आप, वो ये वेसल का जो मेम्ब्रेन है वो पास नहीं करना चाहिए राइट, अदरवाइज ये मेजर कैसे करेगा. सो इसके लिए सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं वो है एल्बुमिन राइट, विच इज लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव आयोडीन. ओके, एंड वी ऑल्सो यूज वन इवेंस ब्लू डाई विच इज एविडली अटैच और बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन. ओके, वी ऑल्सो कॉल दिस एज अ T1824. ओके गाइस, सो ऑल दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन राइट, बट वी नीड टू नो दिस बिकॉज दिस इज बींग यूज इन द इंडस्ट्रीज एंड वी आर रिलेटेड विद दैट ऑल्सो. ओके, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट यू कैन रिमेंबर इट, सॉरी, यू कैन रीड इट वन और टू टाइम्स सो एंड यू विल ईजिली, इफ द क्वेश्चन कम्स सो यू विल ईजिली मार्क इन एग्जाम, आई नो. ओके गाइस, सो लेट्स going further, so we'll see how the blood volume is measured, means what substance is being used to measure the blood. So for this we use chromium, means radioactive chromium, okay, which is labeled with the red blood cells. So this chromium get tightly bind with the red blood cells, so ye red blood cells se ekdam tightly bind ho jata hai, aur wo hum hamare previously jo formula use kiya tha जो डायल्यूशन इंडिकेटर मेथड के लिए, द सेम फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर दिस ऑल्सो, एंड वी विल कम टू नो व्हाट इज द
blood volume. Okay guys, and very simple technique is there, one more. If you know the hematocrit level of patient, so what is hematocrit level, or we can also call as the PCV or packed cell volume. मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, इसके दो तीन वीडियो पहले शायद फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाओ, उसके अंदर आपको हेमाटोक्रिट और पीसीवी के लिए वीडियो मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और उसके अंदर देख लेना. सो हमारे पास अगर पेशेंट का हेमाटोक्रिट लेवल पता है राइट, तो हम ईजी, और हमको प्लाज्मा वॉल्यूम हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, सो हम ईजीली ब्लड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. सो उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सो मैं वापस लिखता हूँ. सो एज वी नो व्हाट इज द प्लाज्मा वॉल्यूम, ओके, सो सपोज प्लाज्मा वॉल्यूम इज अबाउट 3 लीटर, ओके, सो प्लाज्मा वॉल्यूम इज, सपोज प्लाज्मा वॉल्यूम इज अबाउट 3 लीटर, ओके गाइज, सो प्लाज्मा वॉल्यूम इज 3 लीटर, देन we just have to divide it by 1 minus hematocrit level, okay, HCT या फिर PCV, hematocrit, and if what is the hematocrit level for this patient, suppose if it is 0.40, okay, and then we divide it with this to 3 liter, okay, so whatever comes is our blood volume, and the answer is कैलकुलेट किया या किसी ने, चलो नहीं किया है तो बता देता हूँ. सो यहाँ पे लिख दूँ क्या गाइस, सो इट इज 5 लीटर, इट इज हाउ मच 5 लीटर, सो लेट मी रफ दिस, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके. सो अब देखना गाइस, अब बस हमारा बचा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड. So of course interstitial fluid is a part of extracellular fluid. So we just minus plasma volume from the extracellular fluid. So you get what called interstitial fluid. So this is a very simple equation, right? So you just have to apply this logic here. So okay guys, so this is all about how to calculate body fluid from our different body fluid compartments. Okay, a very easy technique, and this technique is being used in day-to-day practice in companies and in body, whatever may be, जहाँ पर इसका use होता है. और इसी तरीके से हमको ये सारा चीज़ पता चला है, इसी तरीके से पता चला है कि कितना बॉडी में वाटर होता है, कितना बॉडी में ब्लड वॉल्यूम है, कितना बॉडी में इंटरस्टिशियल फ्लूड के अंदर कितना फ्लूड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ये फॉर्मूले हमारे उसी तरीके से बने हुए हैं. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. सो अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये अगर आपको समझ में आ रहा है, और आपके एग्जाम आपके नॉलेज में कुछ भी ये थोड़ा भी पार्ट कुछ ऐड कर रहा है और थोड़ा इजी कर रहा है, सो गाइज आई एम यूजिंग मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स फॉर दिस. सो जहाँ से भी मेरे को अच्छा लगता है वहाँ से मैं यूज़ करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि एक्सप्लेन समझने में, और इससे हमको हमारे एग्जाम में मार्क्स भी ना कट हो जाए, और MCQ भी यहीं से बनते आ रहा हूँ आई थिंक, राइट. सो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज़ किया करो, पढ़ा करो. सो आपको क्या करना है कि पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो. फॉर एग्जांपल आप गाइटन यूज़ कर सकते हो, गाइटन इज़ द बेस्ट टेक्स्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी. सो आप इस तरीके से, उसके बाद फिर से ये नोट्स पढ़ लो. अगर आप लोगों को ये नोट्स जो मैं बना रहा हूँ ये सारे चीज़ चाहिए, तो हर वीकली या फिर मंथ एंड में मैं ये आपको एक कौन से भी एक साइट पे या फिर एक लोकेशन के ऊपर इसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप लोगों को चाहिए तो आप बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, सो आई विल पोस्ट इट ओवर देयर, ओके. सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा है, और जिन्होंने आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कलीग्स को भी बताइए, और नहीं कर रखा है तो जल्द से जल्द सो सब्सक्राइब कर दें. हाँ, नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्लूड एक्सचेंज एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम. ओके गाइस,
सो इसके अंदर हम ऑस्मोटिक डेफिनेशन, ऑस्मोटिक की डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहता है एक्सेट्रा। सो मेन थिंग ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सारे चीज़ मेन अगर हम लोगों को पता है तो हम ये सब सारे इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी।